दे रहे हैं, पेज नंबर 59 एनसीईआरटी, ठीक है, एग्जांपल क्वेश्चन है। और इसमें हमसे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि फिगर 2.8 ए एंड बी, ये ए और बी दो फिगर, शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज रेस्पेक्टिवली। आपको पता है प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड बाहर निकलती है, और माइनस पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है, दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया ताकि आपको चार्ज साफ साफ दिखे, अदरवाइज पॉइंट चार्ज है। और पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, कैसे एंटर होता है, ये आपको मालूम है, उसका साइज शेप कैसा होता है, ठीक है। नाउ तो हमसे क्वेश्चंस क्या कर रहा है, देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, मज़ेदार क्वेश्चन, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी पी माइनस वी क्यू और वी बी माइनस वी ए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन साइन ऑफ, पहला वी पी माइनस वी क्यू और इसी में क्या पूछा है, वी ए माइनस वी बी, ये पूछा ना कि वी बी माइनस वी ए है, वी बी माइनस वी ए ऊपर, ठीक है, वी पी है, वी क्यू है, हाँ वी पी माइनस वी क्यू। और दूसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर ले लेते हैं, दिस इज वी बी माइनस वी ए, इसका साइन और इसका साइन, दिस इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक समझे। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का साइन क्या होगा और इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस का साइन क्या होगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको याद दिलाऊँ फिर से, पोटेंशियल किसी भी लोकेशन का क्या होता है, वर्क डन, जो एक यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से वहाँ पर ला करके रखते हैं, तो जितना वर्क हम करते हैं चार्ज को लाने में वही उस जगह का पोटेंशियल बन जाता है ना। अब अगर हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा उस लोकेशन का, और हमने अगर नेगेटिव वर्क किया है तो पोटेंशियल भी कैसा बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, ये याद है। दूसरा चीज़ देखिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यानी पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा। तो आप चाहें तो सिर्फ इसका यूज़ करके इसका आंसर कोट कर सकते हैं, या आप चाहें तो आपका जो कॉन्सेप्ट हमने बिल्डअप करवाया है वर्क डन का, उससे भी आप इसको कोट कर सकते हैं। जैसे ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जा रहा है, सबसे पहले मैं एक पॉइंट चार्ज को लाता हूँ, कहाँ से, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी कहीं होगा, इन्फिनिटी से मैं आ रहा हूँ, ये उस चार्ज को कहाँ फेंक रहा है, रिपल्शन करके बाहर की तरफ, तो मुझे उसको इधर लाने के लिए मैं पहले क्यू पर लाऊँगा फिर पी पे लाऊँगा तब मैं इसके नज़दीक आऊँगा, समझे ना। इसको इतना ऊपर लिखने के बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू, समझ आ रहा है आप, ठीक। इन्फिनिटी से मैं एक चार्ज को लाऊँगा तो पहले तो क्यू पे रखूँगा, उसके बाद आगे बढ़ के पी पे रखूँगा, है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है चारों तरफ, तो अगर मैंने इन्फिनिटी से एक चार्ज को पकड़ा तो मैं कैसा वर्क कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है तो मेरा वर्क भी कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसका रिपल्शन, तो इधर लाने के लिए मेरा फोर्स भी इधर और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो मेरे दोनों क्वांटिटी इसी तरफ हैं, तो वर्क कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो अब मैंने एक चार्ज को पकड़ा, पॉजिटिव वर्क किया, पॉजिटिव वर्क किया, यहाँ ला करके रखा, तो जितना वर्क मैंने किया वो क्या बन गई, यहाँ की पोटेंशियल बन गई, वी क्यू बन गई। अब वी क्यू से वी पी पे आने के लिए या क्यू से पी पे आने के लिए मुझे फर्दर वर्क करना पड़ेगा, तो मैंने और वर्क किया और यहाँ पहुँचा, तो वो वर्क क्या हुआ, पहले इसके पास कुछ एनर्जी थी, कुछ पोटेंशियल था, और वर्क किया तो पोटेंशियल और ऐड हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल इस पोटेंशियल से कैसा हो गया, बड़ा, क्योंकि यहाँ पर लाने के लिए मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ा, तो ये पोटेंशियल बड़ा है और ये पोटेंशियल छोटा है, समझे ना। ये पोटेंशियल बड़ा, वी पी बड़ा और वी क्यू छोटा, तो देखिए बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर कैसा आता है, प्लस की माइनस, पॉजिटिव आता है कि माइनस नेगेटिव आता है, प्लस 5 माइनस 3 क्या आएगा, प्लस 2 आएगा ना, समझे कि नहीं समझे। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो हमेशा क्या साइन मिलता है हमको, पॉजिटिव साइन मिलता है, और अगर हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करते तो साइन किसका आता, बड़े वाले का आता, तो नेगेटिव साइन आता। तो अब बताइए दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आने वाले हैं, वी पी माइनस वी क्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ना, बिल्कुल ठीक, हमारा आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव।
समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, पक्का? दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका, ए ये देखिए, प्लस से दिस इज अ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है और इलेक्ट्रिक पॉइंट के हर लोकेशन पर पोटेंशियल होता है अलग अलग, होता है ना। इस सोर्स चार्ज ने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो इसकी वजह से पॉइंट पी पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा और पॉइंट क्यू में भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। लेकिन यहां से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस देखिए कितना है आरपी, और यहां से लेकर के पॉइंट क्यू तक का डिस्टेंस देखिए कितना है आर क्यू। आरपी और आर क्यू में बड़ा कौन है? जिसका आर बड़ा होगा उसका पोटेंशियल छोटा होगा, और जिसका आर छोटा होगा उसका पोटेंशियल बड़ा होगा। तो इसको हम ऐसे भी कोट कर सकते थे कि देखिए, देखिए इसको लिखता हूं ऐसे, आर पी इज लेस देन आर क्यू, तो पोटेंशियल एट पी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट क्यू। तो वीपी बड़ा, वीक्यू छोटा। अब इस वीक्यू को इधर ले रहे हैं तो ये प्लस में, इधर आके क्या बन जाएगा माइनस। सो वीपी माइनस वीक्यू इज ग्रेटर देन क्या बचा जीरो, तो VP माइनस VQ का आंसर जीरो से कैसा होने वाला है ग्रेटर देन, और जीरो से ग्रेटर देन कैसा होता है पॉजिटिव। इसलिए इसलिए VP माइनस VQ कैसा हो गया पॉजिटिव। आप ऐसे भी आंसर कोट कर सकते हैं, यही चीज यहां पर देखिए, सेम चीज, ठीक है ना। इसके लिए देखिए VB माइनस VA के लिए, अगर 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 VB बड़ा है VA छोटा है, तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और अगर VB छोटा है और VA बड़ा है तो फिर कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि बड़े वाले नंबर पर माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा, समझे ना। अब यह है माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, दोनों कॉन्सेप्ट से आप समझ के देखिए। अगर मैं एक चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के पहले B पर लाऊं फिर A पर लाऊं तो मुझे वर्क तो करना पड़ेगा ना, लेकिन कैसा वर्क, ये चार्ज नेगेटिव है तो वर्क भी कैसा करना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इन्फिनिटी से एक प्लस चार्ज को आप लाते हैं, टेस्ट चार्ज तो प्लस ही होता है, ये माइनस क्या करेगा उस प्लस चार्ज को खुद ही अपने तरफ खींचेगा। तो अगर मैंने छोड़ दिया एक्सेलरेशन आ जाएगा, और हम एक्सेलरेशन नहीं चाहते क्योंकि कुछ एनर्जी एक्सेलरेट में खर्च हो जाएगी, तो हम नहीं चाहते कि वो भाग के आ जाए, तो हमको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा उल्टा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैं किधर कर रहा हूँ, बी में लाने के लिए इधर, तो मेरा फोर्स उधर है और मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क कैसा हो गया नेगेटिव। तो मैं नेगेटिव वर्क करके ला रहा हूँ यहाँ पर रखा, मान लीजिए यहाँ पर आते आते मैंने वर्क किया माइनस 10 जूल, नेगेटिव वर्क है ना, और यहाँ से यहाँ जाऊँगा और नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आते आते मैंने वर्क किया माइनस 20 जूल, है ना। कौन सा बड़ा हुआ, वी बी की वी ए, कौन सा बड़ा होगा वी बी बड़ा होगा, क्योंकि वी बी लेस नेगेटिव है, ये ज़्यादा नेगेटिव है, ज़्यादा नेगेटिव वाला छोटा होता है और कम नेगेटिव वाला, हाँ समझ में आई बात, आया कि नहीं आया। और आप इस रीजन से भी बना सकते हैं, डिस्टेंस वाले से भी, कैसे, यहाँ से ये डिस्टेंस देखिए कितना आर ए, और ये वाला डिस्टेंस देखिए कितना आर बी। तो अब इसको हम यहीं पे लिख दे रहे हैं नीचे, यहीं पर, ठीक है। रीजन देखिए, आर ए इज लेस देन आर बी, तो क्या होगा पोटेंशियल बड़ा ये छोटा, ऐसा नहीं, वो प्लस चार्ज के लिए होता है, नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा उल्टा, नेगेटिव चार्ज में उल्टा हो जाता है। रीजन क्या देंगे, रीजन क्या देंगे, रीजन क्या देंगे, रीजन क्या देंगे, वी बी इज लेस नेगेटिव, देयरफोर वी बी इज मोर देन वी ए। अब वी ए इधर ले लीजिए तो क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए इज मोर देन जीरो, और मोर देन जीरो का क्या मतलब होता है पॉजिटिव, इसलिए ये कैसा आने वाला है पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है रीजन कि नहीं आ रहा। वैसे भी देखिए, आपने बी तक लाने के कितना एनर्जी खर्च किया माइनस 10, और ए तक ले गए तो माइनस 20 खर्च कर दिया, लेकिन नेगेटिव खर्च किया ना, तो दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, बी बड़ी है ना, ये बड़ी है, तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर पॉजिटिव ही आता है। आप ऐसे भी आंसर कोट कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ आया, आया कि नहीं आया, आया। अब हम इसका दूसरा आंसर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज
between the point Q and P and A and B. ठीक है, Q, P ये नोट कर लिया आपने, इसको मिटा दूं मैं ना, अभी वहाँ जगह है हमारे पास, लिख लेते हैं उसी में. ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने कचड़ा कर दिया है ये मैं मिटा देता हूँ. हो गया भाई यहाँ तक. दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखिए अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज लूँ, नेगेटिव टेस्ट चार्ज, और उसको Q और P के बीच में कहीं भी रखूँ, या Q पे रखूँ P पे रखूँ, तो फिर इसके एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एनर्जी डिफरेंस कितना होगा. ठीक है, वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा. कैसे निकालेंगे एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस अपन कैसे निकालेंगे. एनर्जी डिफरेंस निकालने का भी बड़ा आसान तरीका है, आपको याद है एनर्जी डिफरेंस क्या चीज़ है. कैसे निकालते हैं, पांच फॉर्मूले हमने सबसे पहले लेक्चर में इसके किए थे. एनर्जी डिफरेंस इज एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्जेस, पोटेंशियल डिफरेंस. याद आया, एनर्जी डिफरेंस ही क्या चीज़ है, वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम. याद आया, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल, तो एनर्जी चेंज पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल. नहीं समझ आ रहा, थ्योरी लेक्चर सब भूल बैठे हैं क्या. फिर से देखिए, अगर मैं यहाँ की एनर्जी निकाल लूँ और यहाँ की एनर्जी निकाल लूँ, दोनों में से जिस जगह की एनर्जी बड़ी हुई, अगर ये एनर्जी बड़ी है ये एनर्जी छोटी है, तो बड़ी एनर्जी माइनस छोटी एनर्जी, यही डिफरेंस तो यही निकालना है ना. एनर्जी, ये एनर्जी माइनस ये एनर्जी कैसा आएगा, पॉजिटिव. अरे भाई पॉइंट पी पे अगर नेगेटिव चार्ज रखते हैं, एनर्जी बड़ी आई, बड़ी एनर्जी, और यहाँ छोटी एनर्जी आई, तो बड़ी एनर्जी माइनस छोटी एनर्जी, एनर्जी चेंज क्या आ गया, पॉजिटिव. वैसे ही अगर ये एनर्जी बड़ी हो गई, ये एनर्जी छोटी, तो बड़ी एनर्जी माइनस छोटी एनर्जी क्या आया, चेंज, पॉजिटिव. समझ में आ रहा है यार. तो हम दोनों जगह एनर्जी रख रख के कैलकुलेट कर लेते हैं. मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है ना, मैं यहीं पर कर रहा हूँ. ए नंबर आपने नोट कर लिया, दूसरा आंसर देखिएगा. आंसर नंबर बी कोट कर रहे हैं, साइन हम निकाल रहे हैं एनर्जी डिफरेंस का, साइन ऑफ एनर्जी डिफरेंस. इस एनर्जी डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, समझे ना. अब देखिए पहला केस ले रहे हैं इसके लिए, ए के लिए. तो एक नेगेटिव चार्ज हमको पहले क्यू में पुट करना है, समझे कि नहीं समझे. एक नेगेटिव चार्ज, अब आप पी को नहीं देखेंगे, पी को मत देखिए, पी नहीं है, सिर्फ कौन सा पॉइंट है, क्यू. ये है सोर्स चार्ज, इसको मान लेते हैं दिस इज कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज. इस सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, और यहाँ से ये डिस्टेंस होगा आर पी, आर क्यू जो भी है, यहाँ से यहाँ. तो इस सोर्स चार्ज की वजह से एक नेगेटिव चार्ज ला के मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज. तो कितनी एनर्जी होगी इस पॉइंट पर, दो पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी का फॉर्मूला याद आया, ये है क्यू और ये है माइनस क्यू, व्हाट इज द एनर्जी, ठीक है ना. देखिए एनर्जी एट क्यू, एनर्जी एट क्यू, ठीक है, ड्यू टू, हाँ ठीक है, टेस्ट चार्ज हमारा नेगेटिव है, ये तो समझ गए ना, सिचुएशन ही वो बोल रहा है. अब अपन डायरेक्ट करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. हाँ, तो सोर्स चार्ज को मैं कैपिटल क्यू लिख रहा हूँ, और उसको क्या लिखूँ, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू, समझे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर क्यू बड़ा है ना. दूसरा, ये एनर्जी कहाँ की है, दिस इज एनर्जी एट पॉइंट क्यू. अब मैं निकाल रहा हूँ एनर्जी एट पॉइंट पी. अब इस माइनस चार्ज को मैं एक बार यहाँ पे रखता हूँ पॉइंट पी पे. तो पॉइंट पी पे जब आप माइनस चार्ज रखेंगे, दिस इज सोर्स चार्ज और ये डिस्टेंस है आर पी, आर पी, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी इस पॉइंट पर, वही फॉर्मूला, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज माइनस क्यू अपॉन आर पी. अब सारी क्वांटिटी एक जैसी है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज माइनस क्यू, अंतर सिर्फ किस में आ रहा है, डिस्टेंस. जिसका डिस्टेंस बड़ा उसकी एनर्जी छोटी, और जिसका डिस्टेंस छोटा उसकी एनर्जी बड़ी. तो फैसला हो गया ना, कैसा फैसला, आर पी कैसा है, आर क्यू से बड़ा, इसलिए एनर्जी
ना RP छोटा है भाई, RP छोटा है, RP छोटा है RQ से, तो एनर्जी एट P क्या हो जाएगा, एनर्जी एट Q से बड़ा। अब दिस इज UP माइनस UQ, इसको इधर लीजिए, सो दिस इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, एनर्जी का चेंज, एनर्जी का चेंज इज मोर देन जीरो, यानी एनर्जी का चेंज क्या हो गया, UP माइनस UQ इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्या आएगा यहाँ चेंज इन एनर्जी का साइन क्या आ गया, ये समझ आ रहा है आपको कि कोई दूसरा मेथड मैं आपको बताऊं, समझ गए, सफिशियंट है, एनर्जी का चेंज कैसा हो गया यहाँ, पॉजिटिव हो गया, समझे मेरी बात। इसी तरह से यहाँ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले आप एक बार निगेटिव चार्ज यहाँ रखें, मैं डायरेक्ट करूँ, अब डायरेक्ट करें तो एनर्जी एट बी कितना आने वाला है, आपको कूलम कॉन्स्टेंट को के पुट कर रहा हूँ, अब तो आप समझ गए भावनाओं को, सोर्स चार्ज कितना है, इसका नाम मैं क्यू रख दे रहा हूँ, इसका नाम क्या रख रहा हूँ, अब याद रखिएगा ये माइनस है, तो माइनस चार्ज अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो वो उस माइनस को क्या करेगा, रिपल, क्या कर रहा है माइनस को, माइनस को रिपल, रिपल, तो मैं इस माइनस को यहाँ ला करके रखना चाहता हूँ तो मुझे वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव वर्क, नहीं समझे, इसने माइनस क्यू चार्ज को क्या करना है, टेस्ट चार्ज कैसा रख रहा हूँ मैं, नेगेटिव चार्ज, अगर मैं नेगेटिव चार्ज लाऊंगा तो ये क्या करेगा, उस नेगेटिव को रिपल, और मैं इधर ला रहा हूँ तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो मेरा फोर्स भी इधर, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो मैंने पॉजिटिव वर्क किया यहाँ, पॉजिटिव वर्क, और यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा तो और ज़्यादा वर्क, तो यहाँ का एनर्जी कैसा हो गया, ज़्यादा, यहाँ की एनर्जी कैसी होगी, कम, तो ज़्यादा एनर्जी माइनस कम एनर्जी, पॉजिटिव, आप ओरल कर सकते हैं बेशक, कोई हर्ज नहीं, समझे कि नहीं समझे, समझे, ठीक है, सो दिस इज क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर बी एंड यू ए इज इक्वल टू के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर ए। अब आर ए कैसा है, फिर से वही रीजन लग रहा है, वही रीजन लग रहा है भाई, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, याद रखिए ये भी निगेटिव है और कैपिटल क्यू भी निगेटिव, स्मॉल क्यू भी निगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो छोड़ो उसको, सिंपल बन गया, इसी की तरह बन गया, पॉजिटिव वो भी बन गया, ये भी पॉजिटिव था, तो जो आर्ग्यूमेंट यहाँ थे वही आर्ग्यूमेंट वहाँ भी लग जाएंगे, तो आर ए इज लेस देन आर बी, इसलिए एनर्जी एट ए इज ग्रेटर देन एनर्जी एट बी, इसलिए यू ए माइनस यू बी का साइन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, मोर देन जीरो, पॉजिटिव, समझ आया, बोल दें आया, समझिए, ये दूसरे बी पार्ट का इसका आंसर हो गया, ये आप नोट करें। अब इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड, फील्ड कौन सा फील्ड है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड है, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क कर रहा है उसका साइन हमको बताना है, ठीक है, इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, कौन सा चार्ज लेकर के आ रहा हूँ मैं, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से कहाँ, Q से लेके P तक, ध्यान से सुनिएगा ना, एक पॉजिटिव चार्ज को Q से लेकर के P मुझे लाना है, और मुझे किसके वर्क का साइन निकालना है, सबसे पहले तो सुनिए वर्क किसका निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगी वो कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आपने इन्फिनिटी से उठाना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, अब ये प्लस चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, तो इस प्लस चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, रिपल्शन का बाहर फेंकने के लिए, और मुझे इसको क्यू पे ला के रखना है, तो मुझे किधर फोर्स लगाना है, इधर, मुझे डिस्प्लेसमेंट किधर करना है, इधर, यानी वर्क कैसा करना है, पॉजिटिव, तो इसको उठा के मैंने क्यू पर ला कर रखा, मैंने कैसा वर्क किया, पॉजिटिव, यानी क्यू से पी तक लाऊंगा, वर्क कैसा कर रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ ना, पॉजिटिव वर्क, अगर मैं पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ तो ये कैसा वर्क करेगा, क्योंकि इसका फोर्स कैसा था, मेरे फोर्स की अपोजिट में था, तो अगर मैंने पॉजिटिव वर्क किया तो फील्ड ने कैसा वर्क करना है, नेगेटिव वर्क करना है, तरीका समझ आया कि नहीं आया, आप लिख लेंगे इसको कि नहीं लिखेंगे, लिख लीजिए, सिंस एक्सटर्नल एजेंसी डू पॉजिटिव वर्क, एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब हम, Since external agency do positive work to bring a charge from Q to P, to bring a charge from Q to P
Therefore, work done by electric field is negative. Therefore, work done by electric field is negative. क्यों? क्योंकि इसका force कैसा था? मेरे applied force से उल्टा. और इसको ऐसे समझिए, आप simple तरीके से ऐसे भी quote कर सकते हैं. इधर देखिए, इधर देखिए. ये plus source charge आने वाले test charge पर force किधर लगा रहा है? तो force की direction वो हो गई. और मैं उसको कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ? Q से. ए ये हो गई displacement की direction. ये हो गई displacement की direction. DS. और फोर्स की डायरेक्शन किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का. इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स उधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, वर्क कैसा किया? नेगेटिव. ये आप रीजन दे सकते हैं, ठीक है ना, कि फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर वर्क डन बाय फील्ड इज नेगेटिव. समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, सी नंबर आप कोट कर लें. रीजन क्या देंगे? ठीक है ना, वर्क डन, वर्क डन and distance are in opposite direction. Work done applied by field and distance are in opposite direction. Therefore, no, sorry, force applied and distance are in opposite direction by applied field. Therefore, work done by field is negative. समझ गए? ठीक है, ये आप लिख लेंगे. D number देखिए. Give the sign of the work done by the external agency in moving a small negative charge from B to A. आपकी बार किसका वर्क डन पूछा है? एक्सटर्नल एजेंसी मतलब हम. लेकिन कौन सा चार्ज लेके जाना है? नेगेटिव चार्ज. कहां से कहां? बी से ए. तो एक नेगेटिव चार्ज को हम बी से ए ले जाएंगे, तो एक्सटर्नल एजेंसी को कैसा वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि माइनस चार्ज अगर हम ले करके आएंगे तो ये माइनस क्या करेगा? उसको रिपल. तो मुझे फोर्स किधर लगाना पड़ रहा है? इधर. और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? इसी की तरफ. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेरा दोनों इसी के डायरेक्शन में है, तो मेरे द्वारा किया गया वर्क कैसा हो गया? पॉजिटिव. तो बी से ए अगर मैं नेगेटिव चार्ज जाता हूं तो मैं कैसा वर्क कर रहा हूं? पॉजिटिव. रीजन क्या लिखेंगे? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी आर इन सेम डायरेक्शन. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन. देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज पॉजिटिव. हो गया डी नंबर? समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, नोट करें. हाँ, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इसका. डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए? डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल कौन सा चार्ज? नेगेटिव. स्मॉल नेगेटिव चार्ज B से A ले जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? यहाँ देखिए, B से A अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को लेकर के जाता हूँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज को B से A ले जाऊँगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? तो इसको भी आप दो तरह से कोट कर सकते हैं, जो आपको समझ में आए. मैं दोनों मेथड आपको बताता हूँ, ठीक है? ठीक है कि नहीं? पहला मेथड देखिए, हम जो वर्क करके खड़े करते हैं किसी लोकेशन पर, खड़े होते हैं वर्क करके, तो वह एनर्जी कौन सी एनर्जी बनती है? काइनेटिक की पोटेंशियल. हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी बनेगा और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लोकेशन बनेगा जो हमने वर्क किया. अब बताइए, अगर नेगेटिव चार्ज हम लेकर के आ रहे हैं तो हम कैसा वर्क कर रहे थे? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव कर रहे थे ना. तो बी पर खड़े हुए पॉजिटिव एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी. ए पर खड़े हुए और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई क्योंकि ज़्यादा वर्क किए, पॉजिटिव वर्क ना. तो यहाँ का एनर्जी कम, यहाँ का एनर्जी ज़्यादा. तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कम है और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है. तो हम कम पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी की तरफ एक चार्ज को लेकर के जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को. समझे ना? तो क्या होगा, क्या होगा? कम पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी की तरफ एक चार्ज को मुझे लेकर के जाना है तो क्या होगा? चार्ज कहाँ से कहाँ चलता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ. ध्यान से सुनिए, ये हायर पोटेंशियल है, ज़्यादा एनर्जी लोअर पोटेंशियल. तो चार्ज को यहाँ से यहाँ जाना चाहिए. अगर इसको मैं छोड़ूंगा तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा? ए से बी जाएगा. ध्यान से समझिए, ये हायर पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ पर वर्क ज़्यादा हुआ, ये लोअर पोटेंशियल है, वर्क कम हुआ. तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाता है. तो इस चार्ज को अगर हम छोड़ेंगे तो ये कहाँ से कहाँ भागेगा? बी से ए कि ए से बी? ए से बी जाएगा. लेकिन मैं किधर लेके जा रहा हूँ, किधर लेके जा रहा हूँ? हाँ, तो क्या होगा, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी?
फिर से सुनिए, अगर मैंने इस चार्ज को यहाँ छोड़ दिया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ उसको जाना है और इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। समझेगी नहीं? इसके जाने का टारगेट किधर है? ए इधर है, ऐसे ए से बी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लेकर के जाता हूँ, ये इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है और मैं इसको ऐसे ले जा रहा हूँ, तो ये उल्टा एक्सेलरेशन उसकी स्पीड को क्या करेगा? उल्टा एक्सेलरेशन, जिसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं आप लोग, वो स्पीड को क्या करने का काम करता है? हाँ, तो अगर हम बी से ए ले जा रहे हैं और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो वो इसकी स्पीड को क्या करेगा? और स्पीड कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, तो हाफ एम वी स्क्वायर भी क्या हो गया? वी कम हो गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया? कम हो जाएगा। समझे? इसलिए अगर बी से ए हम ले करके जाते हैं तो स्पीड क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी कम हो गई। इसलिए अगर वी कम हो गया तो हाफ एम वी स्क्वायर भी क्या हुआ? तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा तरीका इसका समझने का ऐसा है, देखिए मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज़ है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? है। मैं इसको कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ? बी से ए या ए से बी, किधर से किधर जा रहे हैं? बी से ए, ठीक है। मैं कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ माइनस चार्ज को? बी से ए ले जा रहा हूँ, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है ना, ये माइनस साइन। तो माइनस, अगर हमारा सोर्स चार्ज माइनस है तो पोटेंशियल कैसा होता जाएगा? माइनस। तो यहाँ मैंने बोला था दिस इज माइनस 10 जूल, दिस इज माइनस 20 जूल, तो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो हायर पोटेंशियल एनर्जी, लोअर पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सा उल्टा हो गया बताने में इससे पहले। ये पोटेंशियल कैसा होगा? हायर। और ये पोटेंशियल कैसा होगा? लोअर, है ना। तो अगर मैं बी से ए ले जा रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ रही है कि घट रही है? ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी से कम पोटेंशियल की तरफ हम जा रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और दोनों का मिक्सचर क्या बनता है? मैकेनिकल एनर्जी। और आपको मालूम है मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? कंजर्व। तो अगर दोनों क्वांटिटी में से ये घट रहा है तो इसको क्या होना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा ना। और अगर ये बढ़ेगा तो इसको क्या होना पड़ेगा? घटना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ तो पहले बताइए पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही कि बढ़ रही है? बढ़ेगी। फिर से सुनिए, नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाती है, तो यहाँ तो एनर्जी भी तो नेगेटिव स्टोर हो रही है। एनर्जी भी कैसे स्टोर होगी? नेगेटिव एनर्जी। तो एनर्जी का क्या होगा? बढ़ी कि घटी? अरे भाई, आप तो पॉजिटिव वर्क करके आ रहे थे ना, डाउट मत रखिए। बिल्कुल, एक माइनस चार्ज को लाने के लिए आपने कैसा वर्क किया? ये माइनस है, कैसा वर्क किया? पॉजिटिव वर्क किए तो यहाँ एनर्जी स्टोर हुई। और आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ की एनर्जी बढ़ी कि यहाँ की एनर्जी बढ़ी? यहाँ की एनर्जी बढ़ी लेकिन नेगेटिव। तो ये एनर्जी बढ़ी है, ये एनर्जी कम है। तो अगर मैं बी से ए जाता हूँ तो एनर्जी का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये एनर्जी छोटी है और ज़्यादा वर्क किए, एनर्जी बड़ी हो गई। तो बी से ए जाने में पोटेंशियल एनर्जी का लेवल क्या होता है? बढ़ रहा है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है और दोनों का सम कंजर्व रहना चाहिए, तो अगर ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? घटना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आपको साइन की वजह से। देखिए फिर से मैं आपको एक शब्द में क्लियर करता हूँ, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो किया हुआ वर्क भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो एनर्जी भी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। लेकिन न्यूमेरिकली आप देखेंगे तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। साइन छोड़िए, नंबर देखिए, नंबर बड़ा है कि छोटा? तो अगर आपने वर्क किया तो ये वर्क छोटा और ये वर्क बड़ा, क्योंकि रिपल्शन इधर लग रहा था, उस रिपल्शन के खिलाफ हम वर्क करके ला रहे हैं। तो ये वर्क छोटा, ये वर्क बड़ा, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कम, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। तो बी से ए की तरफ जब आप जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम से ज़्यादा। तो ये बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली इसको क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। या ये रीजन नहीं समझ आता तो वो रीजन समझ में आया, एक्सेलरेशन वाला आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये लो पोटेंशियल पर है, ये हाई पोटेंशियल पर है। तो एक चार्ज को छोड़ेंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई।
जिधर फोर्स का डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो फोर्स का डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स ऐसा लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी ऐसा, और मैं चार्ज को कहाँ ले जा रहा हूँ, बी से ए, यानी एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, उसको स्पीड को कम कर देगा। अगर वी कम हो गया तो हाफ एम बी स्क्वायर भी कम हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। समझे, इसको नोट कर लें।